आप सुनेंगे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी दो फूल। फागुन की गुलाबी जोड़े की वो सुनहरी संध्या क्या भला भुलाई जा सकती है। सवेरे के पुलक पखी वैतालिका एक लयवती उड़ान में अपने अपने नीड़ों की ओर लौट रहे थे। विरल बादलों की अंतराल से उन पर चलाए हुए सूर्य के सोने के शब्द भेदी बाण उनकी उन्माद गति में उलझ कर लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे थे। पश्चिम में रंगों का उत्सव देखते देखते जैसे ही मुंह फेरा कि नौकर सामने आ खड़ा हुआ। पता चला अपना नाम ना बताने वाले एक वृद्ध सज्जन मुझसे मिलने की प्रतीक्षा में बहुत देर से बाहर खड़े हैं। उनसे सवेरे आने के लिए कहना अरण्य रोदन ही हो गया। मेरी कविता की पहली पंक्ति ही लिखी गई थी, अतः मन खिसिया सा आया। मेरे काम से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा काम हो सकता है जिसके लिए असमय में उपस्थित होकर उन्होंने मेरी कविता को प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही खंडित मूर्ति के समान बना दिया। मैं कवि हूँ मैं, जब मेरे मन का संपूर्ण अभिमान पुंजीभूत होने लगा तब यदि विवेक का पर मनुष्य नहीं में छिपा व्यंग्य बहुत गहरा ना चुप जाता तो कदाचित मैं ना उठती। कुछ खीजी कुछ कठोर सी मैं बिना देखे ही एक नई और दूसरी पुरानी चप्पल पैर में डालकर जिस तेजी से बाहर आई उसी तेजी से उस अवांछित आगंतुक के सामने निस्तब्ध और निर्वाक हो रही। बचपन में मैंने कभी किसी चित्रकार का बनाया हुआ कंडव ऋषि का चित्र देखा था। वृद्ध में मानो वो सजीव हो गया था। दूध से सफेद बाल और दूध फेनी सी सफेद दाढ़ी वाला वो मुख झुरियों के कारण समय का अंक गणित हो रहा था। कवि की सतेज आंखें आज ऐसी लग रही थी मानो किसी ने चमकीले दर्पण पर फूंक मार दी हो। एक क्षण में ही उन्हें धवल सिर से लेकर धूल भरे पैरों तक कुछ पुरानी काली चप्पलों से लेकर पसीने और मैल की एक बहुत पतली कौर से युक्त खादी की धुली टोपी तक देखकर कहा, आपको पहचाना नहीं। अनुभवों से मलिन पर आंसुओं से उजली उनकी दृष्टि पल भर को उठी, फिर कांस के फूल जैसी बरोनियों वाली पलकें झुकाई, न जाने व्यथा के भार से न जाने लज्जा से। एक कलांत पर शांत कंठ ने उत्तर दिया, जिसके द्वार पर आया है उसका नाम जानता है, इससे अधिक मांगने वाले का परिचय क्या होगा। मेरी पोती आपसे एक बार मिलने के लिए बहुत विकल है, दो दिन से इसी उधेड़ बुन में पड़ा था, आज साहस करके आ सका हूँ। कल तक शायद साहस न ठहरता, इसी से मिलने के लिए हट कर रहा था, पर क्या आप इतना कष्ट स्वीकार करके चल सकेंगी, तांगा खड़ा है। मैं आश्चर्य से वृद्ध की ओर देखती रह गई। मेरे परिचित ही नहीं अपरिचित भी जानते हैं कि मैं सहज ही कहीं आती जाती नहीं, ये शायद बाहर से आए हैं। पूछा, क्या वो नहीं आ सकती। वृद्ध के लज्जित होने का कारण मैं न समझ सकी। उनके होठ हिले पर कोई स्वर ना निकल सका और मुंह फेर कर गीली आंखों को छिपाने की चेष्टा करने लगे। उनका कष्ट देखकर मेरा बीमारी के संबंध में प्रश्न करना स्वाभाविक ही था। वृद्ध ने नितांत हताश मुद्रा में स्वीकृति सूचक मस्तक हिलाकर कुछ बिखरे से शब्दों में ये स्पष्ट कर दिया कि उनके एक पोती है जो 8 की अवस्था में मात्र पितृहीन और 11 वर्ष में विधवा हो गई थी। अधिक तर्क वितर्क का अवकाश नहीं था। सोचा वृद्ध की पोती अवश्य ही मरना सन्न है, बेचारी अभागी बालिका, पर मैं तो कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं हूँ और मुंडन कर्ण छेदन आदि में कवि को बुलाने वाले लोग अभी उसे गतिवाचक के समान अंतिम समय में बुलाना नहीं सीखे हैं। वृद्ध जिस निहोरे के साथ मेरे मुख का प्रत्येक भाव परिवर्तन देख रहे थे उसी ने मानो मेरे कंठ से कहला दिया, चलिए किसी को साथ ले लूं क्योंकि लौटते लौटते अंधेरा हो जाएगा। नगर की शिराओं के समान फैली और एक दूसरे से उलझी हुई गलियों से जिनमें दूषित रक्त जैसा नालियों का मैला पानी बहता है और रोग के कीटाणुओं की तरह नए मैले बालक घूमते हैं, मेरा उस दिन विशेष परिचय हुआ। किसी प्रकार एक तिमंजले मकान की सीढ़ियां पार कर हम लोग ऊपर पहुंचे। दालान में ही मैली फटी दरी पर खंभे का सहारा लेकर बैठी हुई एक स्त्री मूर्ति दिखाई दी जिसकी गोद में मैले कपड़ों में लिपटा एक पिंड सा था। वृद्ध मुझे वहीं छोड़कर भीतर के कमरे को पार कर दूसरी ओर से छज्जे पर जा खड़े हुए जहां से उनके थके शरीर और टूटे मन को द्वंद्व धुंधले चलचित्र का कोई मूक पर करुण दृश्य बनने लगा। एक उदासीन कंठ से, आइए। मैं निकट आने का निमंत्रण पाकर मैंने अभ्यर्थना करने वाली की ओर ध्यान से देखा। वृद्ध से उसकी मुखाकृति इतनी मिलती थी कि आश्चर्य होता था। वही मुख की गठन, उसी प्रकार के चमकीले पर धुंधले नेत्र,
और वैसे ही कांपते होंठ, रूखे बाल और मलिन वस्त्रों में उसकी कठोरता वैसी ही दयनीय जान पड़ती थी जैसे जमीन में बहुत दिन गड़ी रहने के उपरांत खोद कर निकाली हुई तलवार। कुछ खिजलाहट भरे स्वर में कहा, बड़ी दया की, पिछले 5 महीने से हम जो कष्ट उठा रहे हैं उसे भगवान ही जानते हैं। अब जाकर छुट्टी मिली है, पर लड़की का हठ तो देखो, अनाथालय में देने के नाम से बिलखने लगती है, किसी और के पास छोड़ाने की चर्चा से अन्न जल छोड़ बैठती है। बार बार समझाया कि जिससे ना जान ना पहचान उसे ऐसी मुसीबत में घसीटना कहाँ की भलमनसाहत है, पर यहाँ सुनता कौन है। लाला जी बेचारे तो संकोच के मारे जाते ही नहीं थे, पर जब हार गए तब झक मार कर जाना पड़ा। अब आप ही उद्धार करें तो प्राण बचे। एक लंबी चौड़ी सार गर्भित भूमिका से अवाक मैं जब कुछ प्रकृति स्थित हुई तब वस्तु स्थिति मेरे सामने धीरे धीरे वैसी ही स्पष्ट होने लगी जैसे पानी में कुछ देर रहने पर तल की वस्तुएं। यदि ये ना कहूँ कि मेरा शरीर सिहर उठा था, पैर अवसन्न हो रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी तो असत्य कहना होगा। सामाजिक विकृति का बौद्धिक निरूपण मैंने अनेक बार किया है, पर जीवन की एक विभीषिका से मेरा यही पहला साक्षात था। मेरे सुधार संबंधी दृष्टिकोण को लक्ष्य करके परिवार में प्रायः सभी ने कुछ निराश भाव से सिर हिलाकर मुझे ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि मेरी सात्विक कला इस लू का झोंका ना सह सकेगी और साधना की छाया में पले मेरे कोमल सपने इस धुएं में जी ना सकेंगे। मैंने अनेक बार सबको यही एक उत्तर दिया है कि कीचड़ से कीचड़ को धो सकना ना असंभव हुआ है ना होगा, उसे धोने के लिए निर्मल जल चाहिए। मेरा सदा से विश्वास रहा है कि अपने दलों पर मोती सा जल भी ना ठहरने देने वाली कमल की सीमातीत स्वच्छता ही उसे पंख में जीने की शक्ति देती है। और तब अपने ऊपर कुछ लज्जित होकर मैंने उस मटमैले शॉल को हटाकर निकट से उसे देखा जिसको लेकर बाहर भीतर इतना प्रलय मचा हुआ था। उग्रता की प्रतिमूर्ति सी नारी की उपेक्षा भरी गोद और मलिनतम आवरण उस कोमल मुख पर एक अलक्षित करुणा की छाप लगा रहे थे। चिकने काले और छोटे छोटे बाल पसीने से उसके ललाट पर चिपक कर काले अक्षरों जैसे जान पड़ते थे और मुंदी पल के गालों पर दो अर्धवृत्ति बना रही थी। छोटी लाल कली जैसा मुंह नींद में कुछ खुल गया था और उस पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट थी मानो कोई सुंदर स्वप्न देख रहा हो। उसके आने से कितने भरे हृदय सूख गए, कितनी सूखी आंखों में बाढ़ आ गई और कितनों को जीवन की घड़ियां भरना दूभर हो गया, इसका उसे कोई ज्ञान नहीं। ये अनाहूत अवांछित अतिथि अपने संबंध में भी क्या जानते हैं। इनके आगमन ने इनकी माता को किसी की दृष्टि में आदरणीय नहीं बनाया। इसके स्वागत में मेवे नहीं बटे, बधाई नहीं गाई गई, दादा नाना ने अनेक नाम नहीं सोचे, चाची ताई ने अपने अपने नेक के लिए वाद विवाद नहीं किया और पिता ने इसमें अपनी आत्मा का प्रतिरूप नहीं देखा। केवल इतना ही नहीं, इसके फूटे कपाल में विधाता ने माता का वो अंक भी नहीं लिखा जिसका अधिकारी निर्धन से निर्धन, पीड़ित से पीड़ित स्त्री का बालक हो सकता है। समाज के क्रूर व्यंग्य से बचने के लिए एक घोरतम नरक में अज्ञातवास कर जब इसकी माँ ने अकेले यंत्रणा से छटपटा कर इसे पाया तब मानो उसकी सांस छूकर ही ये बुझे कोयले से दहकता अंगारा हो गया। ये कैसे जीवित रहेगा, इसकी किसी को चिंता नहीं है, है तो केवल ये कि कैसे अपने सिर बिना हत्या का भार लिए ही इसे जीवन के भार से मुक्त करने का उपकार कर सके। मन पर जब एक गंभीर विषाद असहाय हो उठा तब उठकर मैंने उस बालिका को देखने की इच्छा प्रकट की। उत्तर में विरक्त सी बुआ ने दालान की बाई दिशा में एक अंधेरी कोठरी की ओर उंगली उठा दी। भीतर जाकर पहले से कुछ स्पष्ट दिखाई ही नहीं दिया, केवल कपड़ों की सरसराहट के साथ घाट पर एक छाया सी उठती जान पड़ी। पर कुछ क्षणों में आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो गई। तब मैंने आले पर रखे हुए दिए के पास से दिया सलाई उठाकर उसे जला दिया। स्मरण नहीं आता वैसी करुणा मैंने कहीं और देखी है कि नहीं। घाट पर बिछी मैली दरी, सहस्त्रों सिकुड़न भरी मलिन चादर और तेल के कई धब्बे वाले तकिए के साथ मैंने जिस दयनीय मूर्ति के साक्षात दर्शन किए उसका ठीक चित्र दे सकना संभव नहीं है। वो 18 वर्ष से अधिक की नहीं जान पड़ती थी, दुर्बल और असहाय जैसी,
सूखे होठ वाले सांवले रक्तहीनता से पीले पुख में आंखें ऐसे जल रही थी जैसे तेलहीन दीपक की बत्ती। उस अस्वाभाविक निस्तब्धता से ही उसकी मानसिक स्थिति का अनुमान कर मैं सिराहाने रखी हुई ऊंची चौकी पर से लोटे को हटाकर उस पर बैठ गई और तब जाने किस अज्ञात प्रेरणा से मेरे मन का निष्क्रिय विषाद क्रोध के सहस्त्र रंगों में बदलने लगा। अपने अकाल वैधव्य के लिए वो दोषी नहीं ठहराई जा सकती, उसे किसी ने धोखा दिया इसका उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं रखा जा सकता, पर उसकी आत्मा का जो अंश हृदय का जो खंड उसके सामने है उसके जीवन मरण के लिए केवल वही उत्तरदायी है। कोई पुरुष यदि उसको अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करता तो केवल इसी मिथ्या के आधार पर वो अपने जीवन के सत्य को अपने बालक को अस्वीकार कर देगी। संसार में चाहे इसको कोई परिचयात्मक विशेषण ना मिला हो परंतु अपने बालक के निकट तो ये गरिमामय जननी की संज्ञा ही पाती रहेगी। इसी कर्तव्य को अस्वीकार करने का ये प्रबंध कर रही है, किस लिए? केवल इसलिए कि या तो उस वंचक समाज में फिर लौटकर गंगा स्नान कर व्रत उपवास पूजा पाठ आदि के द्वारा सती विधवा का स्वांग भरती हुई और फूलों की सुविधा पा सके, या किसी विधवा आश्रम में पशु के समान नीलामी पर चढ़कर कभी नीची कभी ऊंची बोली पर बिके, अन्यथा एक एक बूंद विष पीकर धीरे धीरे प्राण त्याग दे। स्त्री अपने बालक को हृदय से लगाकर जितनी निर्भर है उतनी किसी और अवस्था में नहीं। वो अपनी संतान की रक्षा के समय जैसी उग्र चंडी है वैसी किसी और स्थिति में नहीं। इसी से कदाचित लोलुप संसार उसे अपने चक्रव्यूह में घेर कर बाणों से छलनी करने के लिए पहले इसी कवच को छीनने का विधान कर देता है। यदि ये स्त्रियां अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कह सकें कि बर्राव तुमने हमारा नारित्व पत्नित्व सब ले लिया पर हम अपना मातृत्व किसी प्रकार न देंगी तो इनकी समस्याएं तुरंत सुलझ जावे। जो समाज इनकी वीरता साहस और त्याग भरे मातृत्व के साथ नहीं स्वीकार कर सकता, क्या वो इनकी कायरता और दैन्य भरी मूर्ति को ऊंचे सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर पूजेगा? युगों से पुरुष स्त्री को उसकी शक्ति के लिए नहीं सहन शक्ति के लिए ही दंड देता रहा है। मैं अपने भावावेश में इतनी स्थिर हो उठी थी कि उस समय का कहां सुना आज उसी रूप में ठीक ठीक याद नहीं आता, परंतु जब उसने खाट से जमीन पर उतरकर अपनी दुर्बल बाहों से मेरे पैरों को घेरते हुए मेरे घुटनों में मुंह छिपा लिया तब उसकी चुपचाप बरसती हुई आंखों का अनुभव कर मेरा मन पश्चाताप से व्याकुल होने लगा। उसने अपने नीरव आंसुओं में शब्दों को गूंत गूंत कर मुझे ये समझाने का प्रयत्न किया कि वो अपने बच्चे को नहीं देना चाहती, यदि उसके दादाजी राजी ना हो तो मैं उसके लिए ऐसा प्रबंध कर दूं जिससे उसे दिन में एक दो रूखी सूखी रोटियां मिल सके, कपड़े वो मेरे उतारे ही पहन लेगी और कोई विशेष खर्च उसका नहीं है, फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब जो काम मैं उसको बता दूंगी वही तन मन से करती वो जीवन बिता देगी, पर जब तक वो फिर कोई अपराध ना करे तब तक मैं अपने ऊपर उसका वही अधिकार बना रहने दूं जिसे वो मेरी लड़की के रूप में पा सकती थी। उसकी माँ नहीं है इसी से उसकी इतनी दुर्दशा संभव हो सकी। अब यदि मैं उसे माँ की ममता भरी छाया दे सकूं तो वो अपने बालक के साथ कहीं भी सुरक्षित रह सकेगी। उस बालिका माता के मस्तक पर हाथ रखकर मैं सोचने लगी कि कहीं ये वरद हो सकता इस पतझड़ के युग में समाज के फूल चाहे ना मिल सके पर धूल की किसी स्त्री को कमी नहीं रह सकती। इस सत्य को ये रक्षा की यातना करने वाली नहीं जानती पर 27 वर्ष की अवस्था में मुझे 18 वर्षीय लड़की और 22 दिन के नाती का भार स्वीकार करना ही पड़ा। वृद्ध अपने सहानुभूतिहीन प्रांत में भी लौट जाना चाहते थे, उपहास भरे समाज की विडंबना में भी शेष दिन बिताने को इच्छुक थे और व्यंग भरे क्रूर पड़ोसियों से भी मिलने को आकुल थे, परंतु मनुष्यता की ऊंची पुकार में ये संस्कार के शीर्ष स्वर दब गए। अब आज तो वे किसी अज्ञात लोक में है, मलय के झोंके के समान मुझे कंटक वन में खींच लाकर उन्होंने जो दो फूलों की धरोहर सौंपी थी उनसे मुझे स्नेह की सुरभि ही मिली है। हाँ, उन फूलों में से एक को शिकायत है कि मैं उसकी गाथा सुनने का अवकाश नहीं पाती और दूसरा कहता है कि मैं राजकुमार की कहानियां नहीं सुनाती। तो ये थी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी बालिका वधु या फिर दो फूल। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और सुनते रहें स्टोरियन लफ्जों के हम सफर।